फौजी ने एक विवाहिता के साथ किया दुष्कर्म। एक साल पहले फौजी के संपर्क में आई थी महिला। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का मामला। शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिंधिया नगर में रहने वाली एक विवाहिता के साथ फौजी ने दुष्कर्म किया। एक साल पहले यह महिला इस फौजी के संपर्क में आई थी। खास बात यह है कि महिला और फौजी दोनों ही विवाहित हैं। फौजी के कहने पर महिला ने अपने पति को छोड़ दिया था। फौजी ने उसे आश्वस्त किया था कि वह अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करेगा। यह फौजी पहले ग्वालियर से बाहर कहीं पोस्ट था, बाद में वह महिला के सिंधिया नगर स्थित घर में आकर रहने लगा। दोनों लिव इन में रहते थे। महिला पिछले साल मार्च से फौजी अरुण तोमर से संपर्क में थी, लेकिन जब महिला ने शादी के लिए फौजी पर दबाव बनाया तो वह साफ तौर पर मुकर गया। उसने ना तो अपनी पहली पत्नी से तलाक लिया, ना ही पीड़िता से शादी की। तब महिला ने विश्वविद्यालय थाने में जाकर फौजी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मामला दर्ज कराने के साथ ही महिला का मेडिकल कराया है। इसके अलावा फौजी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। उसके मुख्यालय को भी FIR के बारे में जानकारी दी जा रही है। एक फरियादिया आई थी हमारे पास, जिसने बताया था कि वो पहले से शादीशुदा है, परंतु अपने पति को छोड़कर वो यहाँ पर रहने लग पड़ी थी। उसके साथ एक फ़ौजी ने रिलेशन बनाया था। वो दोनों एक ही घर में रहते थे और लिव इन रिलेशनशिप में थे, और उसने उसको दिलासा दिया था कि वो उससे शादी करेगा और अपनी पत्नी को छोड़ देगा, परंतु उसने ऐसा नहीं किया और ये शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया। इसी पर अभी FIR की गई है। अभी आरोपी पकड़ा नहीं गया, परंतु जल्दी पकड़ा जाएगा। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।